पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के जिला कारागार में सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें जेल परिसर में पहुंचने लगी थी। जेल प्रबंधन की ओर से राखी और मिठाइयों का प्रबंध किया गया। उसके बैठने और अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मुरादाबाद जेल में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। जेल अफसरों के मुताबिक मुहूर्त देखते हुए बहनों को पर्व मनाने का मौका दिया गया। सलाखों के पीछे कैद भाइयों के लिए आज का दिन खास रहा। बहनें आज उनकी कलाई पर राखी बांधने पहुंची। बंदी भाइयों के लिए आई हुई है, उनको तो कारागार में जब तक कि आखिरी बहन राखी नहीं बांध लेगी तब तक उनकी राखी बांधने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे बहने जब अपने भाइयों को राखी बांधे तो उनसे ये वचन जरूर लें कि दोबारा जेल में कभी जो है उनको राखी बांधने के लिए ना आना पड़े। तो मेरा तो उद्देश्य ये है कि इस रूप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए और सारे बंदी अपनी बहनों को गिफ्ट के रूप में अपने क्राइम को छोड़ने के जो है वचन दें, जिससे कि समाज में भी सुधार हो सके। आपकी तरफ से जिला कारागार में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? जो भी बहनें आई हुई हैं उनके लिए बैठने के लिए, पानी के लिए, नाश्ते के लिए व्यवस्था हम लोगों ने कारागार प्रशासन द्वारा किया गया है कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और अपनी बारी का इंतजार करें। उनकी बारी आने पर उनकी मुलाकात उनके भाइयों से कराई जाएगी और राखी जो बनवाई जाएगी। लगभग कितनी बहनों को अभी तक जो है जो सूचनाएं मुझे मिली हैं कि 3 बैच अभी तक हो चुका है और उसमें जो है 750 बहनें जो है राखी बांधने के लिए अंदर आ चुकी हैं। उन्होंने राखी बांध लिया है। अभी ये अनवरत शाम तक चलता रहेगा, जब तक भी एक भी बहन आएगी उसकी राखी जो है उसके भाइयों को बनवाई जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।